हाय फ्रेंड्स, टी अप नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आइए आज बात करते हैं ऐसी बैटरी की जो 28,000 साल तक चल सकती है, यानी कि सेल्फ चार्जिंग बैटरी की बात करेंगे, जिसका नाम है नैनो डायमंड बैटरी और NDB या डायमंड बैटरी, या यूं कह लीजिए कार्बन 14 बैटरी, C14 बैटरी। तो NDB दोस्तों एक स्टार्टअप कंपनी है न्यूयॉर्क की, अमेरिका की एक कंपनी है जो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। NDB मतलब नैनो डायमंड बैटरी INC। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, इनका दावा है कि इन्होंने जो बैटरी बनाई है, जिसको डायमंड बैटरी बोल सकते हैं या कार्बन 14 बैटरी बोलते हैं या न्यूक्लियर बैटरी बोलते हैं, ये 28,000 सालों तक आपको एनर्जी दे सकती है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या है, आज इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके सिद्धांत के बारे में बात करेंगे कि कार्बन 14 बैटरी जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, इसकी बनावट कैसी, यानी कि इसको बनाया कैसे जाता है। उसके बाद में इसमें सेफ्टी की, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए हुए हैं, मतलब न्यूक्लियर बैटरी है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो मानव के लिए, मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसको बहुत तवज्जो दी गई है। तो वह सुरक्षा किस तरह से इसमें इनबिल्ड की गई है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और इसके यूजेज क्या है, इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बैटरी का क्या। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कार्बन के आइसोटोप्स की बात करूंगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं दोस्तों, समस्थानिक हिंदी में बोलते हैं प्रोटॉन वाले एटम, लेकिन उनमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। जैसे कि कार्बन के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 है, जैसा कि आप यहाँ पर एनिमेशन में देख पा रहे हैं। तो कार्बन 12 की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए आप यहाँ पे प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, यानी कि स्टेबल समस्थानिक है। कार्बन 13 में हम बात करेंगे तो प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 7 है, यानी कि एक न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया इसमें, इसलिए यह समस्थानिक बन गया, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या तो इसमें सेम ही है। तो एटॉमिक नंबर तो इसका सेम भी रहेगा, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, वो चेंज हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखो P+9 मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 13 हो गई, यहाँ पे 12 थी। C14 में क्या होगा कि प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन 8 हो गया है, तो इसलिए क्या होगा कि ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है दोस्तों। रेडियो एक्टिव की क्या खासियत होती है कि ये पदार्थ अपने आप सह होता रहता है, यानी कि इसमें जो रिएक्शन होती रहती है उसमें से एनर्जी या हीट निकलती रहती है और ये अपने आप खत्म होते रहते हैं, लेकिन इनको खत्म होने में सालों लग जाते हैं। तो कार्बन 14 जो है इसका हाफ लाइफ होता है 5,700 साल, यानी कि कार्बन 14 कोई समस्थानिक है कार्बन का, तो वो अपने आप 5,700 साल में उसका हाफ लाइफ खत्म हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए एक कार्बन 14 का एक एटम है, मतलब उसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 8 है, तो C6H14 बोलेंगे। अगर ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए ये क्या होता है कि एनर्जी रिलीज करने के बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी रिलीज हुआ है, ये हीट रिलीज हुआ है, उसके बाद में ये न्यूट्रॉन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, तो यहाँ पर देखो ये स्टेबल बन गया है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन साथ साथ हैं, 7 न्यूट्रॉन हो गए और प्रोटॉन 7 हो गए, तो 7N14। तो ये जो कार्बन था वो अभी क्या बन गया है, नाइट्रोजन बन गया है। तो इस तरह से ये सह होता रहता है इसका। अभी आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या है कार्बन 14 बैटरी का। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो रिएक्शन है इसमें क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज हुआ है यहाँ पे, तो ये एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हुआ है। तो जो हीट बनी है उसको किस तरह से यूटिलाइज करके इस बैटरी में सेल्फ चार्जिंग बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये जो सिद्धांत है ये थर्मोकपल का सिद्धांत है। थर्मोकपल का मतलब क्या होता है, दो असमान धातुओं को का अगर एक जंक्शन बना के उसको गर्म किया जाए, हीटअप किया जाए, तो उन दोनों मेटल जो है, अलग अलग मेटल है, उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो जाता है, तो वोल्टेज डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिससे क्या होगा, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होगा कि वोल्टेज, अगर उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने एक जंक्शन बनाया दो अलग अलग धातुओं का, मतलब दो तार लिए जो अलग अलग धातु से बने हुए हैं और उनको हमने गर्म किया, तो क्या हुआ, गर्म करने से एक
पर पॉजिटिव आया, एक पर नेगेटिव आया, तो ये जो वोल्टेज डिफरेंस बना है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो आइए अब जान लेते हैं दोस्तों इसकी बनावट के बारे में। तो इसकी जो बनावट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए इसकी बनावट कैसे होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है, डायमंड न्यूक्लियर वोल्टाइक करके DNV एक यूनिट होती है। मतलब जैसे कि हमारी नॉर्मल बैटरी होती है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल होता है। तो सेल को, बहुत सारे सेल्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ के एक बड़ी बैटरी बनाई जाती है, ऐसे ही इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको डायमंड न्यूक्लियर वोल्टाइक बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें एक छोटा यूनिट होता है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स को स्टैक बना के और एक के ऊपर एक रख के और ये बड़ी बैटरी का रूप दिया जाता है। और जो सिंगल यूनिट है, जो DNV है, उसके दो आउटपुट होते हैं जो हाई एनर्जी को आउटपुट बोले जाते हैं। तो अभी क्या होगा दोस्तों कि जो ये DNV यूनिट है, ये क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है सेमीकंडक्टर मेटल और सिरामिक का, ठीक है। और इसमें जो दो कॉन्टेक्ट होते हैं, दो सरफेस होती है, वो क्या करती है, चार्ज कलेक्शन का काम करती है। यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा उसमें से जो हीट डेवलप होगी उसमें जो चार्ज बनेगा उसको कलेक्ट करेगी इसकी दोनों सरफेसेस। और इसमें जो रैपिड कन्वर्जन होगा रेडिएशन टू इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये अरेंजमेंट होता है कि रेडिएशन का, जो रेडिएशन की वजह से जो हीट जनरेट हो रही है उससे जो आयन बन रहे हैं उनका रैपिड कन्वर्जन हो रेडिएशन टू इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद में दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक थिन फिल्म स्ट्रक्चर होता है। थिन फिल्म स्ट्रक्चर का मतलब यह हो गया कि बहुत छोटा होता है, मतलब कॉम्पेटेबल बनाता है इस बैटरी को। इसके बाद में इसमें न्यूक्लियर रिसाइकल प्रोसेस होता है, यानी कि ये बैटरी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से उनमें जो वेस्ट बचा हुआ है उसको इस्तेमाल करके भी बनाई जा सकती है। डायमंड के साथ तो बनाई जा सकती है, लेकिन अगर आपने पावर प्लांट में सुना होगा कि न्यूक्लियर वेस्ट का बहुत प्रॉब्लम होती है उसको मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उसमें रेडिएशंस निकलती रहती है। अभी उस रेडिएशंस को निकलने से लोगों को बचाने के लिए उस रेडिएशन से इसको डिस्पोज करना पड़ता है न्यूक्लियर वेस्ट को। तो अगर उस न्यूक्लियर वेस्ट को हम इस बैटरी में इस्तेमाल करने लग जाएं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो यानी कि ये जो NDV बैटरी है, डायमंड बैटरी या C14 बैटरी है, तो NDV कंपनी का दावा है कि वो न्यूक्लियर जो वेस्ट है उससे भी इस बैटरी को बना सकता है, जिससे कि न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अभी दोस्तों इसमें सुरक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो देखिए, वे सुरक्षा के में सबसे पहले इसमें एक डायमंड एनकैप्सुलेटर दिया हुआ है। डायमंड एनकैप्सुलेटर क्या होता है दोस्तों, ये एक पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड होता है, मतलब एक मोस्ट कंडक्ट थर्मल कंडक्टिव पदार्थ होता है, मतलब थर्मल को बहुत जल्दी से ट्रांसमिट करता है, मतलब हीट को बहुत जल्दी से ट्रांसमिट करता है। तो ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड है, इसका एक लेयर बनी होती है DNV में। डायमंड न्यूक्लियर वोल्टाइक जो मैं बोला था उसमें एक कोटिंग होती है इसकी पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड की। और ये क्या करता है, इसकी एक क्षमता होती है कि ये जो रेडिएशन से ना उसको बाहर नहीं जाने देता है। तो डायमंड एनकैप्सुलेटर क्या काम करता है, एक तो थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी जो हीट जनरेट हो रही है उसको तुरंत ट्रांसमिट कर रहा है, और जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको रोक रहा है, यानी कि वो इस बैटरी के अंदर ही रहेगा, कंटेन रहेगा, उससे बाहर नहीं जाने देगा, जिससे कि ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि आपके मोबाइल में बैटरी लगी हुई है तो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो रेडिएशंस निकल रही है जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो इससे बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें एक पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड का कोटिंग है जो कि रेडिएशंस को बाहर नहीं आने देता है। उसके बाद में इसमें बिल्ड इन थर्मल वेंट्स हैं, यानी कि थर्मल वेंट्स क्या करेंगे, जो हीट जनरेट हो रही है उसको बाहर की तरफ आने नहीं देंगे, मतलब कंट्रोल टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। इसमें बोरोन 10 का डोपिंग होता है। तो जो डोपिंग हो रही है दोस्तों वो क्या है, क्या काम कर रहा है, बोरोन 10 जो है वो क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं या फिर जो एनर्जी जनरेट हो रही है, या यूं कहें कि न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको अल्फा रेज में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिससे कि कंट्रोल किया जा सके रिएक्शन को। तो रिएक्शन कंट्रोल भी बहुत जरूरी है सुरक्षा के लिहाज से। इसके बाद में इसमें एक लॉकिंग सिस्टम करके एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक मैकेनिज्म है ये एक तरह का। तो इसका मैकेनिज्म का एक्चुअल नाम क्या है, आयन इम्प्लांटेशन मैकेनिज्म है। एक्चुअली क्या होता है कि न्यूक्लियर फैलाव जो है, यानी कि प्रोलिफरेशन, यानी कि जो न्यूक्लियर का फैलाव है, रेडिएशन का फैलाव है, उसकी वजह से क्या होता है कि
कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, मान लो वो क्या होगा कि फाइनली कन्वर्ट होगा यूरेनियम 232 में या प्लूटोनियम 238 में, इस तरह का। अगर उसमें से जो रेडिएशंस हैं, रेडियो एक्टिव तत्व में जो रेडिएशंस बाहर आ रहा है, उसको अगर हम कंट्रोल कर पाए, उसको रोक पाए आयन इम्प्लांटेशन मैकेनिज्म के तहत, तो उस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं, लॉक-इन सिस्टम बोल रहे हैं कि हम लॉक कर देंगे रेडिएशंस को, कंट्रोल कर देंगे। दोस्तों ये जो बैटरी है ये नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पहले से ही, बहुत पहले से ही चला आ रहा है पहले। लेकिन इसको क्या बोलते थे, आरटीजी बोलते थे, रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। रेडियो एक्टिव थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं दोस्तों, वो सैटेलाइट्स में यूज किए जाते हैं, रॉकेट में यूज किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर एनर्जी का कोई सोर्स नहीं होता है। लेकिन इसकी कार्बन-14 बैटरी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि जो आरटीजी है, रेडियो एक्टिव थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, वो कम एफिशियंट है। वो क्या करते हैं, जो हीट जनरेट हो रही है रेडियो एक्टिव से, उसका 5 to 10% ही कन्वर्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन ये एनडीबी कंपनी जो है, इनका दावा है कि इन्होंने अप टू 40% ये कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाए हैं, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि ये बैटरी का जो डायमंड बैटरी या कार्बन बैटरी या रेडियो एक्टिव जनरेटर्स जो है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो सफलता एनडीबी ने मिली है न्यूक्लियर वेस्ट में या डायमंड से इसको करने में, कन्वर्ट करने में, तो इनका जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब ये कन्वर्ट कर पा रहे हैं 40% तक हीट जो जनरेट हो रही है रेडियो एक्टिव पदार्थ से। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं लास्ट में इसके उपयोग, कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है और ये आपकी जिंदगी को कैसे आसान बना सकती है। तो सबसे पहले उपयोग होगा मोबाइल में, यानी कि मोबाइल अगर आपने खरीदा है उसमें एनडीबी बैटरी है, कार्बन-14 बैटरी है, तो आपको लाइफ टाइम चलेगा, वो कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर सेल्फ चार्जिंग फैसिलिटी है। यानी कि आप एक आदमी की उम्र 100 साल होती है, एक मोबाइल की उम्र 3 से 4 साल होती है, लेकिन ये 28,000 साल तक एनर्जी देने में सक्षम है इस तरह की बैटरी। तो कोई जरूरत नहीं होगी चार्ज करने की, एक बार आपने खरीदा फोन, आपको कभी चार्ज करना नहीं पड़ेगा, आपको चार्जर कैरी नहीं करना पड़ेगा। ऐसे रॉकेट और सैटेलाइट में, मतलब जो स्पेस टेक्नोलॉजीज है उसमें, क्योंकि एक बार आपने भेज दिया सैटेलाइट, तो वो जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो वापस नहीं आएगा, या उधर ही उसको स्पेस वेस्ट के तौर पे डाला जाएगा। तो वो मान लो कि 5 साल काम कर रहा है स्पेस सेंटर में, तो वहां पर एनर्जी के लिए एनडीबी बैटरी का इस्तेमाल आसानी से होगा, और उसके को बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, बेहतरीन पावर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों हार्ट पेशेंट होते हैं, उनको पेसमेकर में क्या होता है कि एक बार आपके हार्ट में पेसमेकर इम्प्लांट कर दिया, उसके बाद में वो लाइफ टाइम चलना चाहिए, तो उसके लिए भी ये बैटरी बेहतरीन है, जो कि आपके ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, दोस्तों मैं बार बार बोलता रहता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल सी फ्यूचर है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए अभी तक इतना पॉपुलर नहीं बन पाया है, क्योंकि इसमें बैटरी का प्रॉब्लम है, क्योंकि एक चार्ज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाएगी, और उसके बाद भी 3-4 साल में बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा, और बैटरी का 50 to 60% कॉस्ट होता है टोटल गाड़ी का। यानी कि 10 लाख की आप गाड़ी खरीदते हैं तो 5 लाख का बैटरी होता है उसमें। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना पॉपुलर अभी नहीं है, रोड पे उतना नहीं दिखता है आपको। लेकिन अगर इस बैटरी का ब्रेक थ्रू आ जाए, और इस तरह की बैटरी आ जाए जो एक बार चार्ज करने के बाद बहुत सारा सालों तक चलती रहे, तो क्या बात है, फिर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल इंजन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, पेट्रोल इंजन तो एक तरह का हिस्ट्री बन के रह जाएगा। तो इसके अलावा दोस्तों आपके घरों में मिक्सी हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका एयरफोन हो गया, आपका कैमरा हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर, सिलाई मशीन, पता नहीं कितने यूज हो सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज एनर्जी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। अगर आपको इस तरह का बैटरी मिलेगा तो क्या ही कहना है, फिर तो एक क्रांति आ जाएगी। लेकिन देखते हैं अभी ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है, और इसको बहुत सारे ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी और एनर्जी प्रोवाइड करने की ड्यूरेशन से भी। तो ये था दोस्तों कार्बन बैटरीज के बारे में, कार्बन-14 बैटरी, डायमंड बैटरी या नैनो डायमंड बैटरी, जो एनडीबी कंपनी एक स्टार्टअप है न्यूयॉर्क यूएसए का,
बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैंने आपको आज दी है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।